मैं निर्भय कुमार स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने इस मैथ्स के क्लास में। और आज के क्लास से हम लोग सेमेस्टर सिक्स का एक जो टॉपिक्स है, एक कह सकते हैं कि ये सिलेबस का एक पोर्शंस जो है, ठीक है ना, मैट्रिक स्पेस, ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आज से आने वाला जो सीरीज़ होगा इस टॉपिक का, कुछ वीडियोज़ में इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लें कि हमें सेम सिक्स में पढ़ना क्या क्या है। तो सेम सिक्स में आपको मैथ्स के चार पेपर हैं, ठीक है। तो पहला पेपर जो होगा, जो कंपलसरी पेपर है, जिसको हम लोग पेपर 13 कहते हैं BBMKU या VB यूनिवर्सिटी में, तो ये है मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। क्लियर। तो पेपर 13 जो है वो टू पार्ट्स में बटा हुआ है। क्या क्या पोर्शंस हैं? पहला मैट्रिक स्पेस है और दूसरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। समझ में आ रहा है क्या पोर्शंस है? पेपर 13 जो है सेमेस्टर सिक्स में जो पढ़ना है आपको, वहाँ पर दो पोर्शंस हैं, मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो मैट्रिक स्पेस जो है, ठीक है, वो बहुत छोटा सा पोर्शन है जहाँ से आपको सेमेस्टर सिक्स में पेपर 13 में तीन क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पेपर 13 जो है दो पार्ट में बटा हुआ, मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो मैट्रिक स्पेस से तीन क्वेश्चंस है, क्लियर। अच्छा, पेपर 14 क्या पढ़ना है? रिंग थ्योरी एंड लीनियर एलजेब्रा, ठीक है ना, रिंग थ्योरी 2 ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि सेमेस्टर हमने 4 में रिंग थ्योरी पढ़ा है, यहाँ पर रिंग थ्योरी 2 पढ़ेंगे। और उसके बाद DSE 1 और DSE 2। DSE 1 में आपको है थ्योरी ऑफ इक्वेशन और DSE 4 है वो मैकेनिक्स। क्लियर। तो आज से हम लोग मैट्रिक स्पेस शुरू करते हैं। अच्छा, और एक आपको खास बात बता दें कि मैट्रिक स्पेस बहुत छोटा सा पोर्शन है और यहाँ से पेपर 13 के लिए तीन क्वेश्चन कवर होंगे। क्लियर। तो चलिए मैट्रिक स्पेस हम लोग शुरू करें, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक स्पेस में हम लोग पढ़ेंगे क्या और मैट्रिक स्पेस पढ़ क्यों रहे हैं। क्लियर। तो उस इस चीज़ को हम डिस्कस करें, मैट्रिक स्पेस का डेफिनेशन को डिस्कस करें, उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि XY प्लेन, तो आपके दिमाग में क्या फिगर आता है? कुछ इस टाइप्स का, एक्स एक्सिस ये क्या हो गया? प्लेन हो गया, है ना। अच्छा, अब एक होता है 3D में, जैसे हम XYZ का बात कर दें, तो X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस, समझ में आ रहा ना। अब उसी तरीके से एक होता है यूक्लिडियन स्पेस, ठीक है ना, जैसे एक 2D होता है, एक 3D होता है, उस तरीके से 4D, N-dimensional। तो जो N-dimensional में स्पेस का बात करते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूक्लिडियन स्पेस। चूंकि मैट्रिक स्पेस को पढ़ने से पहले आपको यूक्लिडियन स्पेस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन चलिए, अब यूक्लिडियन स्पेस को पढ़ने के लिए आपको पहले इसका जानकारी होना चाहिए। समझ में आ रहा? मैट्रिक स्पेस को जानने के लिए यूक्लिडियन स्पेस जानना होगा, और यूक्लिडियन स्पेस को जानने के लिए आपको इसे जानना होगा। और ये क्या कहता है भाई, कि XY प्लेन में कहीं भी अगर दो पॉइंट्स आपको दे दिया जाए, मान लिया जाए एक पॉइंट यहाँ पर दे दी जाए पी, तो और एक पॉइंट दे दी जाए क्यू यहाँ पर, तो पी और क्यू क्या है? दोनों पॉइंट्स XY प्लेन पर, तो दोनों का कॉर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट कहने का मतलब है X1 Y1, और इसे कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं हम लोग, X2 Y2। समझ में आ रहा है ना कि XY प्लेन में कोई भी दो पॉइंट्स ले लिए P और Q। क्लियर। तो अब बताइए P और Q पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? क्लास 9-10 में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस फार्मूला। वो डिस्टेंस फार्मूला किस पे अप्लाई होता था? XY प्लेन पे किसी भी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला होता था। और वो डिस्टेंस फार्मूला अगर हम लोग डायरेक्ट बात करें कि PQ का डिस्टेंस क्या होगा, तो लिख सकते हैं कि PQ का डिस्टेंस है ना, कि डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट PQ लिख रहे हैं, PQ से भी रिप्रेजेंट करते थे हम लोग डिस्टेंस को, तो PQ इक्वल टू क्या होता था? अंडर रूट कोऑर्डिनेट का सब्सट्रैक्शन, कि X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता था कि X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। या फिर इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि X1 माइनस X2 का होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2 का होल स्क्वायर। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे पहले X2 था, यहाँ पहले X1 है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये क्लास बहुत बेसिक क्लास होगा, अगर इसे आप समझते हैं तभी आपको मैट्रिक स्पेस आगे समझ में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक्स बात बता रहे हैं आपको, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही चीज़ है। क्यों? क्योंकि भाई आप क्या करोगे, X2 माइनस X1 कर रहे हैं तो स्क्वायर करना है, और अगर मान लीजिए आप पहले कर रहे हैं तो यही हो सकता है ना, कि दोनों में हो सकता है ये पॉजिटिव आ रहा था, ये निगेटिव आता, तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर है। तो कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो XY, मेरा मेन कहने का मतलब क्या था, कि XY प्लेन में किसी भी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपको उसका कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और ये फॉर्मूला पता होना चाहिए।
तो समझ में आ रहा ना कि ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि पी क्यू पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को। क्लियर? अगर यही चीज मान लिया जाए एक एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ये तो एक्स वाई प्लेन में था। अब इस 3D स्पेस मीन्स कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जहाँ पे प्रेजेंट हो, तो वहाँ पे अगर दो पॉइंट का बात करें हम, दो पॉइंट यहाँ पे बात करें, बात करने का मतलब है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, मान लीजिए P ले लीजिए, तो ये क्या होगा एक्स वन वाई वन जेड वन, ये जेड वन होगा ना। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये 3 एक्सिस में है, 3D में है, यहाँ पे सिर्फ दो था तो इसलिए एक्स वन एंड वाई वन हुआ था, यहाँ पे ये है। और इसका मान लीजिए कोई पॉइंट्स क्यू ले लेते हैं, तो इसमें क्या होगा एक्स टू वाई टू और जेड टू, तो इसमें सेम वही डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होगा फार्मूला? फार्मूला होगा कि बी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर लिखना है। समझ में आ गया ना? तो इसमें तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी तरीके से ये तो 3 के लिए होगा, 3 एक्सिस के लिए, 4 के लिए भी हो सकता है, 5 के लिए भी होगा, 6 के लिए भी होगा और n डायमेंशंस के लिए भी होगा। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं कि n डायमेंशनल को यूक्लिडियन स्पेस कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले यूक्लिडियन स्पेस को देखते हैं और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक स्पेस क्या है और देखेंगे मैट्रिक स्पेस का बेसिक डेफिनेशन। चलिए तो हमने क्या यहाँ पे लिखा कि द यूक्लिडियन स्पेस आर टू द पावर एन। क्लियर? तो ये यूक्लिडियन स्पेस का डेफिनेशन है। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, इसके बाद हम थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन क्या कहता है कि द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स, ठीक है ना, चूंकि आर टू द पावर एन है, यूक्लिडियन स्पेस आर टू द पावर एन है, इसलिए द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाय द सैम्पल्स आर टू द पावर एन एंड इज कॉल्ड द यूक्लिडियन स्पेस ऑफ एन डायमेंशंस। समझ में आ रहा कि जितने भी सेट्स होते हैं एन टपल्स के, एन टपल्स कहने का मतलब है कि एक्स वन एक्स टू एक्स एन, ये एक सेट हुआ एन टपल्स का। इन टपल्स जैसे टू टपल्स का बात कर रहे हैं हम लोग, थ्री टपल्स का बात करते हैं, जैसे कि टू टपल्स एक्स वन एक्स टू, टू टपल्स हो गया, जैसे कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, कितने टपल्स? थ्री टपल्स। तो वही चीज़ बोल रहा है कि सेट ऑफ एन टपल्स है ना, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स ऑफ रियल नंबर्स इज डिनोटेड बाई द सैम्पल सेट ऑफ द पावर एन एंड इज कॉल्ड द यूक्लिडियन स्पेस ऑफ एन डायमेंशंस। समझ में आ रहा? तो इस टाइप से जो सेट बनेगा, एक सेट दूसरा सेट, इसका सारे का सेट जो होगा, एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो डिनोट करते हैं आर टू द पावर एन से और उसी चीज़ को यूक्लिडियन स्पेस कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे अभी देखेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा, दस द एन टपल्स, दस द एन टपल्स, एन टपल्स का मतलब इस टाइप्स का, तो इसको हम मान नहीं, इसको हम मान सकते हैं कोई एक एलिमेंट एक्स, तो दस द एन टपल्स एक्स इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एन वेयर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एन आर ऑल रियल नंबर्स, मीन्स कि ये जो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री है वो क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है? इज द पॉइंट ऑफ आर टू द पावर एन, चूंकि आपको पता है कि आर टू द पावर एन क्या है, अभी हमने यहाँ पे देखा कि R टू द पावर n जो है वो सेट है, किसका सेट है, ऑल ऑर्डर्ड n टपल्स। समझ में आ रहा है? n टपल्स एलिमेंट टाइप का सेट है। तो मान लेते हैं कि R टू द पावर n में एक एलिमेंट x है, तो ये जरूर है कि x जो होगा वो कुछ इस टाइप्स का एलिमेंट होगा, तभी तो वो R टू द पावर n जा रहा है। दस द n टपल्स x इज इक्वल टू दिस वेयर x1 x2 x3 xn आर ऑल रियल नंबर्स। एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें जो सेट होगा, इसका जो भी n टपल्स होंगे, जो भी n टपल्स में एलिमेंट्स होंगे, वो सारे सारे रियल नंबर होंगे। अच्छा, इज द पॉइंट ऑफ R टू द पावर n एंड ईच ऑफ द नंबर्स, ईच ऑफ द नंबर्स x1 x2 x3 xn इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट और कॉम्पोनेंट्स। जैसे कि एक्स वाई प्लेन में आपको पता है कि कोई भी पॉइंट होगा यहाँ पे, मान लिया जाए P, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या होता था, X और Y, है ना। तो उसी तरीके से यूक्लिडियन स्पेस भी एकदम सेम इसी के जैसा, स्पेस के जैसा ही काम करता है, बट वहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं उसका क्या होगा, जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितने टपल्स में होंगे, इन टपल्स में, तभी तो। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो पॉइंट्स है, जैसे x हो गया R टू द पावर n का अगर मेंबर्स है, ठीक है ना, जहाँ पे x1 x2 सब रियल है, तो ये जो x होगा वो R टू द पावर n का अगर मेंबर है, तो ये सब क्या कहलाता है, इसका, इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट। देखिए, एंड ईच ऑफ द नंबर x1 x2 x3 xn इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट और कॉम्पोनेंट्स ऑफ द पॉइंट्स x।
समझ में आया कि r टू द पावर n यूक्लिडियन स्पेस है और इस स्पेस में x अगर कोई पॉइंट है तो x अगर पॉइंट है तो जरूरी है कि ये n टपल्स में होगा, तभी इसका मेंबर्स है। और n टपल्स में होगा तो पहला कंडीशन कि ये सारा का सारा रियल होगा, दूसरा डेफिनेशन कि इस चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग, इस पॉइंट x का कोऑर्डिनेट कहते हैं या फिर इस पॉइंट x का कंपोनेंट्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर पॉइंट P है और अगर कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो इसको हम लोग क्या P का कोऑर्डिनेट कहते थे या फिर P का क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स। समझ में आ रहा ना? तो ये चीज़ अभी हमने क्या दिखा कि हमने यूक्लिडियन स्पेस कहते किसे हैं। तो यूक्लिडियन स्पेस को सिंपली भाषा में अगर समझा जाए तो ऐसा है कि भाई ये जो प्लेन होता था एक्स वाई प्लेन, यहाँ पे दो एक्सिस होते थे, इसमें एन डायमेंशंस होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट में सिर्फ दो पेयर्स मीन्स की ये टू टपल्स होते हैं, इसमें एन टपल्स होते हैं। समझ में आ रहा? तो ये होता है यूक्लिडियन स्पेस, ठीक है। अब देखिए कि यूक्लिडियन स्पेस को डिनोट किससे करते हैं हम लोग, आर टू द पावर एन से। समझ में आ रहा? यूक्लिडियन स्पेस को आर टू द पावर एन से डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए यूक्लिडियन स्पेस है, चूंकि हम लोग के पास एन डायमेंशंस है तो उसको हम लोग फिगर आउट नहीं कर सकते। जैसे कि दो टू एक्सिस वाला बात था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो हम उसको हम लोग बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थ्री एक्सिस का बात है, एक्स वाई जेड, तो उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट यूक्लिडियन स्पेस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते आप। एन समझ रहे हैं ना, एन डायमेंशन स्पेस कहाँ से हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो चलिए थोड़ी देर के लिए सपोज कीजिए, आप दिमाग में इमेजिन कीजिए कि एन डायमेंशन स्पेस है आपके पास और वहाँ पर कोई दो पॉइंट्स है। जैसे कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, एक्स वाई प्लेन पे कोई दो पॉइंट्स लेते थे और पी और क्यू और दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते थे। फिर अभी मैंने बताया कि अगर एक्स वाई जेड एक्सिस में थ्री डी स्पेस में भी कोई दो पॉइंट्स लें तो कैसे उसका डिस्टेंस निकालेंगे। उसी तरीके से कोई आर टू द पावर एन मतलब यूक्लिडियन स्पेस में दो पॉइंट्स लेंगे तो समझ रहे हैं कि मान लीजिए पहला पॉइंट एक्स ले लिए, दूसरा पॉइंट वाई ले लिए, तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन तक, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई वन वाई टू वाई थ्री कहाँ तक, वाई एन तक। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इसका पहला माइनस इसका पहला का स्क्वायर। समझ में आ रहा? मतलब कि देखिए अगर एक पॉइंट ले लिए x तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 x2 कहाँ तक, xn तक। फिर अगर y दूसरा पॉइंट ले तो क्या होगा, y2 कहाँ तक, yn तक। दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना चाहें तो क्या होगा, अंडर रूट y1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस x2, y2 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस वाई थ्री माइनस एक्स थ्री का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक, वाई एन माइनस उसका होल स्क्वायर और पूरा का रूट। यही होता है ना, ऐसे डिस्टेंस निकालेंगे क्योंकि हमने पहले सिखाया अभी, इसीलिए हम उसको एक्स वाई प्लेन वाले को डिस्टेंस फॉर्मूला को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो वही चीज़ लिखा जा रहा है, चूँकि देखिए ये सब सारा का सारा टोटली रिलेटेड है मैट्रिक स्पेस से, टोटली। अगर ये सब क्लियर होता है तब वहाँ पर ज़्यादा क्लियर होगा। तो अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि इस प्लेन का आर टू द पावर एन यूक्लिडियन स्पेस का हम लोग दो पॉइंट्स लेते हैं कि लेट एक्स इक्वल टू दिस, ये एक्स क्या है, एक पॉइंट्स होगा आर टू द पावर एन का, तो एक्स क्या है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट डॉट एक्स एन, तो एक्स इक्वल टू दिस एंड वाई इक्वल टू दिस, देन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई इज डिनोटेड बाई डी ऑफ एक्स वाई। समझ में आ रहा कि x और y दो पॉइंट्स है यूक्लिडियन स्पेस का, तो दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को कैसे डिनोट कर रहे हैं हम लोग, डी ऑफ एक्स वाई। अभी जैसे कि एक्स वाई एक्स वाई प्लेन पे p और q कोई दो पॉइंट्स था तो हम उसके बीच के डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, सिंपली पी क्यू लिख दे रहे थे। अब यहाँ पे x और y के बीच के डिस्टेंस को कैसे लिख रहे हैं, डी ऑफ एक्स वाई। समझ में आ रहा ना? तो डी ऑफ एक्स वाई एंड डिफाइंड एज मीन्स की डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x एंड y इज डिनोटेड बाई डी ऑफ एक्स वाई एंड डिफाइंड एज, डिफाइन कैसे होता है ये, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समेसन ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर। अभी मैंने बताया ये वही चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे समेसन्स करके लिखा हुआ है। चूँकि अब देखिए जैसे कि मान लीजिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए आपको तो क्या लिखना होता है उसको बताइए। चलिए आप y1 वन माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर या फिर x1 वन माइनस वाई वन भी तो लिख सकते हैं ना, मैंने बताया था दोनों चीज़, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव ही देगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि x1 वन माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस क्या होगा, x2 टू माइनस वाई टू का स्क्वायर x3 थ्री माइनस वाई थ्री का स्क्वायर, ऐसे ही कहाँ तक, xn एन माइनस वाई एन का स्क्वायर। आप देखिए आप सिंपली ऐड करने का तो काम कर रहे हैं ना, तो ऐड करने का काम और कौन करता है, समेशन।
अगर एक सीक्वेंस वाइज में आपको ऐड करना है तो आपको समेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ वन वाले को ऐड किए, टू वाले को ऐड किए, थ्री वाले को किए, फिर एन वाले को किए। तो इसी चीज़ को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, समेशन ऑफ किसको किसको ऐड करना है, एक्स वाला को और माइनस वाई। अब चूंकि चेंज करेगा ना, एक्स वन होगा, फिर टू होगा, फिर थ्री होगा, तो इसको हम मान लेते हैं आई, एक्स आई और यहाँ भी आई, चूंकि आई यहाँ वन है तो यहाँ भी वन होगा, तो यहाँ आई है तो यहाँ भी आई होगा स्क्वायर। अब आई कहाँ से, आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन, आई वन से एन तक, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको ये सब ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ किसे देखना है, इस चीज़ को। तो समझ में आया किस तरीके, एक सेकेंड, समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग क्या देख रहे हैं कि यूक्लिडियन स्पेस होता क्या है। अब मेन जो मेरा बताने का मकसद था, मेन जो टॉपिक जो यूज़ होगा, टर्म्स जो वहाँ पे यूज़ होंगे, वो यूज़ होंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन आर टू द पावर एन। क्लियर। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको हिंट करें कि मैट्रिक स्पेस का थोड़ा रफली हम बताना चाहें कि आखिर होता क्या है मैट्रिक स्पेस। क्लियर। तो चलिए, थोड़ा हम इसको सिर्फ मिटा रहे हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉपर डेफिनेशंस भी देखेंगे। अभी डेफिनेशन, ठीक है, सबसे पहले अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, हम लोग यही पढ़ना है मैट्रिक स्पेस। तो मैट्रिक स्पेस से पहले जो पढ़ना था हमने पढ़ा। अब देखिए, मैट्रिक स्पेस होता क्या है, जनरली अगर हम लोग बात करें, अभी हम मैट्रिक स्पेस से थोड़ा सा और हम बाहर का कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। हम अगर ऐसा लिख दें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो ये एक फंक्शंस है, फंक्शन है जी, फंक्शन। आप बताइए कि ये फंक्शन वन वन होगा, ऑन टू होगा, ये तो सब बाद की बातें हैं। क्लियर। बट ये अभी एक फंक्शंस है, ठीक है ना। और ये फंक्शंस क्या बता रहा है, ये फंक्शन बता रहा है कि अब एफ ऑफ एक्स जो है वो टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर के इक्वल्स है। क्लियर। अब हम एक ऐसा फंक्शंस आपको देते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई, ये भी एक फंक्शंस है। तो ये फंक्शंस किस में है, एफ ऑफ एक्स वाई में है। एक और फंक्शंस हम आपको देते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई मान लिया जाए एक्स वन माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस वाई टू का होल स्क्वायर का अंडर रूट, वेयर एक्स इज इक्वल टू एक्स वन वाई वन एंड वाई इज इक्वल टू, या फिर सॉरी, एक्स का कोऑर्डिनेट है ये और ये वाई का कोऑर्डिनेट है वाई वन और सॉरी एक्स टू वाई टू, ऐसा। देखिए, हम यहाँ बताना ये चाह रहे हैं कि जैसे ये फंक्शंस था सिंगल वेरिएबल में, ये फंक्शंस था एक्स वाई वेरिएबल में, ये भी तो फंक्शंस है, यहाँ पे भी तो फंक्शंस का ही काम हो रहा ना, नहीं समझ रहे, ये भी फंक्शंस है। तो मैट्रिक स्पेस जो होता है, सिंपली अगर हम आपको समझाना चाहें कि मैट्रिक स्पेस जो होता है वो एक फंक्शंस होता है, समझे। सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक स्पेस में भी दो पार्ट्स है, एक मैट्रिक होता है और एक मैट्रिक स्पेस होता है, समझ में आ रहा है, एक मैट्रिक और दूसरा मैट्रिक स्पेस। तो सबसे पहले समझिए कि मैट्रिक क्या होता है, मैट्रिक क्या होता है, सिंपली अगर हम समझाएं तो मैट्रिक जो होता है ना वो एक फंक्शंस होता है, ठीक है। और फंक्शंस कुछ इस टाइप्स का होता है, डी ऑफ एक्स वाई, जैसे कि अभी हमने सीखा था कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स क्या हो रहा था, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट दिस, हमने एक पढ़ा था। तो मैट्रिक स्पेस क्या होता है, मैट्रिक सबसे पहले समझना है कि मैट्रिक क्या होता है, मैट्रिक एक फंक्शंस होता है जो कि किसी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। मैट्रिक क्या होता है, एक फंक्शंस होता है जो कि दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, जरूरी नहीं है कि सारा फंक्शंस क्या हो, मैट्रिक हो, मैट्रिक होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। मान लीजिए ये कोई फंक्शंस है जो कुछ भी रिप्रेजेंट कर रहा है, समथिंग कोई फंक्शंस, ये डी कोई फंक्शंस है कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये फंक्शंस मैट्रिक तब कहलाएगा जब ये कुछ क्राइटेरिया को सॉल्व करेगा, क्राइटेरिया को फॉलो करेगा। क्लियर। जब ये कुछ क्राइटेरिया को मानेगा, क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा, तब इस फंक्शंस को हम लोग क्या कह देंगे कि ये फंक्शंस मैट्रिक है। क्लियर। अच्छा, अब मैट्रिक जिस सेट पे होगा उसके साथ यदि पेयर बनाते हैं, मान लीजिए क्योंकि फंक्शंस है तो किसी सेट पे ही डिफाइंड होगा, तो मान लीजिए ये जो है वो एक्स सेट पे है, एक्स सेट पे ये क्या डिफाइंड है, एक्स सेट पे ये फंक्शन डिफाइंड है। क्लियर। अब मान लिया जाए, जैसे ही फिर एक्स और डी बना दें,
सबसे पहले ये होना चाहिए कि डी क्या होना चाहिए आपका, मैट्रिक होना चाहिए। मैट्रिक होने के लिए चार पांच कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर डी मैट्रिक हो गया, और मैट्रिक किस पे होगा, इस सेट पे मैट्रिक हो गया, तो एक्स डी का जो कॉम्बिनेशन होगा, जो पेयर होगा, वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक स्पेस। समझ में ना, मैट्रिक क्या होता है, मैट्रिक एक फंक्शन होता है जो कुछ क्राइटेरिया को होल्ड करता है, और वो फंक्शन जिस फंक्शन जिस सेट पे डिफाइंड है उसके साथ अगर पेयर बनाते हैं एक्स डी टाइप्स का, तो क्या क्या कहलाता है, वो कहलाता है मैट्रिक स्पेस। तो मैट्रिक और मैट्रिक स्पेस समझ में आ रहा, तो मैट्रिक क्या है, एक फंक्शन है, और मैट्रिक स्पेस क्या है, एक पेयर है। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग मैट्रिक स्पेस का डेफिनेशन देखते हैं प्रॉपर वे में। चलिए तो अब हम लोग देखिए मैट्रिक स्पेस का, सॉरी मैट्रिक भी कह सकते हैं और मैट्रिक स्पेस, दोनों का डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो अभी मैंने समझाया वो चीज़ तो क्लियर हुआ ना कि मैट्रिक क्या है और मैट्रिक स्पेस क्या है। तो मैट्रिक जो, फिर से हम बता दें आपको, मैट्रिक क्या होता है, एक फंक्शन होता है, और वो फंक्शन जिस सेट पे डिफाइंड है उसके साथ अगर पेयर बनाया जाए तो वो क्या बनता है, मैट्रिक स्पेस बनता है। क्लियर हो रहा ना सब कुछ, मैट्रिक क्या, एक फंक्शन है, और मैट्रिक स्पेस क्या है, पेयर है। क्लियर? चलिए तो अब आगे देखिए कि मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक का डेफिनेशन क्या है। ये कहता है कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, अ फंक्शन कहाँ से डिफाइंड है, वो फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर। आपको पता है कि फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, तो फंक्शन किस पे डिफाइंड है, एक्स सेट पे डिफाइंड है। अब एक्स सेट पे डिफाइंड है, इसका मतलब वो कैसे डिफाइंड हो रहा है, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम द, सॉरी अ फंक्शन डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर। समझ में ना, इसी को कैसे पढ़ते हैं, फंक्शन डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर। क्लियर? अच्छा, यही फंक्शंस इज कॉल्ड, मींस कि दिस फंक्शन इज कॉल्ड अ मैट्रिक और डिस्टेंस फंक्शन। मैट्रिक को ही क्या कहते हैं हम लोग, डिस्टेंस फंक्शन कहते हैं। इज कॉल्ड मैट्रिक और डिस्टेंस फंक्शन इफ एंड ओनली इफ डी सेटिस्फाई द फॉलोइंग ऑक्सियम्स। समझ में आ रहा है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट से डिफाइंड एक फंक्शन, एक डिफाइंड एक मैपिंग जो कि कुछ इस तरीके से डिफाइंड हो, वो मैपिंग क्या कहलाता है आपका, मैट्रिक कहलाता है, या मैट्रिक का ही दूसरा नाम है डिस्टेंस फंक्शन कहलाता है। कब, जब वो फंक्शंस ये लॉ को सेटिस्फाई कर जाए, या फिर कोई फंक्शंस अगर इन सभी लॉज को सेटिस्फाई करता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, मैट्रिक। देखिए वही चीज लिखा हुआ है कि इज कॉल्ड अ मैट्रिक इफ एंड ओनली इफ डी सेटिस्फाई दिस। मतलब डी को क्या कहेंगे हम लोग, मैट्रिक कहेंगे, कब, जब ये सेटिस्फाई करे, और अगर डी ये सेटिस्फाई करता है तो क्या कहेंगे डी को, मैट्रिक। मतलब समझ में आ रहे हैं, वहाँ पे उधर से इधर और इधर से उधर जाने वाली बात है कि अगर वो मैट्रिक होता है तो ऐसा होगा, और ऐसा होता है तो मैट्रिक होगा। समझ में आ रहा है? चलिए तो ये कंडीशंस क्या दिया हुआ है, ये कंडीशंस, पहला कंडीशंस है, इसको पोस्टुलेट्स क्या पढ़ते हैं, ये M1 से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप P1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पोस्टुलेट्स 1, पोस्टुलेट्स 2। समझ में आ रहा है, कुछ चार ऑक्सियम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चार ऑक्सियम्स। तो पहला ऑक्सियम्स क्या कहता है कि डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। एक्स क्या है, एक सेट है। अब सेट से क्या, दो पॉइंट्स लिए, ठीक है, और दो पॉइंट्स का बीच का जो डिस्टेंस बता रहे हैं यहाँ पे, आपको पता है ना डी ऑफ एक्स वाई, अभी मैंने डिस्कस किया, तो डी ऑफ एक्स वाई क्या हो रहा है, डिस्टेंस बता रहा था कि डिस्टेंस कभी भी एक्स और वाई का डिस्टेंस क्या हो रहा है, डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो। हाँ, मैं आपको यहाँ पे स्पेशल बता दूँ कि ये जरूरी नहीं है कि हर जगह पे ये डी ऑफ एक्स वाई डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करे, बट 95% केसेस में ये जो भी डी ऑफ एक्स वाई लिखा जा रहा है, डी ऑफ एक्स वाई, वो डिस्टेंस को ही मेजर करते हैं। जैसे कि एक हम सिंपल सा केस बताना चाह रहे हैं आपको, मान लीजिए कहीं पर लिख दे 2 5, डी ऑफ 2 5, एक्स की जगह पर 2 5 की जगह, या फिर इसके जगह पर 5 कर लें और इसके जगह पर 2 कर लें, इसका हो सकता है वैल्यू 0 आ जाए। तो आप अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि डी ऑफ एक्स वाई डिस्टेंस को बताता है, तो अब बताइए इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, 3, बट दिया कितना है, 0। तो ये एक फंक्शंस है, ठीक है ना, जरूरी है, बट वो डिस्टेंस फंक्शन, सिंपली डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस फंक्शंस है, ठीक है। तो ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट हम लोग ये देख ले कि मैट्रिक कहते किसे हैं। तो मैट्रिक कोई भी फंक्शन अगर उस तरीके से डिफाइंड हो एक्स क्रॉस एक्स टू आर, और अगर वो पहला पोस्टुलेट्स कि डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल जीरो, दूसरा पोस्टुलेट्स कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। मतलब समझ में आ रहा है कि ऑर्डर चेंज करने से, अब डी ऑफ एक्स वाई क्या है कि एक्स से वाई का डिस्टेंस, और डी ऑफ वाई एक्स वाई से एक्स का डिस्टेंस, ठीक है ना। जरूर हम बार बार बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हर बार डिस्टेंस हो,
ठीक है, तो कहीं कहीं हो सकता है फंक्शन अलग तरीके से डिफाइंड भी हो, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो सब केस, ठीक है। फिलहाल अभी हमको डिस्टेंस मानकर चलना है। तो चलिए, तो समझ में आ रहा है कि ऑर्डर मैटर नहीं करना चाहिए। पहला कंडीशन पॉजिटिव होना चाहिए डी ऑफ एक्स वाई, और दूसरा कंडीशन ऑर्डर मैटर नहीं करना चाहिए, और तीसरा कंडीशन क्या है कि डी ऑफ एक्स वाई यदि जीरो होगा तब क्या होगा, एक्स इक्वल टू वाई होगा। इफ एंड ऑनली इफ का बात है, मतलब अगर डी ऑफ एक्स वाई जीरो होगा तब एक्स वाई एक्स इक्वल टू वाई होगा, और यदि एक्स इक्वल टू वाई होगा तब डी ऑफ एक्स वाई क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आ रहा है, ये होगा तो ये होगा और ये होगा तो ये होगा, दोनों होना चाहिए, दोनों भी होना चाहिए, समझे ना, तभी ये होगा कंडीशन। ऐसा नहीं कि ये हो रहा तो वो हुआ, और उधर से अगर रिवर्सिबल नहीं है तो ये मैट्रिक नहीं होगा। समझ में आया। वैसे भी सिंपल से कॉन्सेप्ट है कि अगर प्लेन हमारे पास x और y, कोई दो पॉइंट है यहाँ पे और y है यहाँ पे, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस का मतलब डी ऑफ एक्स वाई, ये जीरो कब होगा, जब x इक्वल टू y होगा, जो कोइंसाइड कर जाएगा x के ऊपर ही y करेगा, तभी तो। दोनों का बीच का डिस्टेंस जीरो कब होगा, जब x ही y हो, अलग अलग होगा तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। एक पॉइंट यहाँ है दूसरा पॉइंट यहाँ है, क्या दोनों के बीच का डिस्टेंस जीरो होगा, नहीं होगा। डिस्टेंस कब जीरो होगा, जब दोनों का दोनों पॉइंट कोइंसाइड करे तब जीरो होगा। तो वही चीज़ कहना चाह रहा है कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो होगा कब, इफ एंड ऑनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। चलिए, ये कंडीशंस क्लियर हो गया। और तीसरा कंडीशंस ये कहता है, तीसरा कंडीशंस जो है ना वो ट्रायंगल लॉ है, ठीक है। ट्रायंगल लॉ पहले हम समझा देते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, दिख रहा है इधर, ये मान लीजिए साइड है ए, इधर है बी, इधर है सी। तो आपको ट्रायंगल लॉ से, ट्रायंगल इनक्वालिटी से आपको पता होना चाहिए कि कभी भी दो साइड्स का सम तीसरा से क्या होता है, हमेशा ग्रेटर होता है। कि इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल बी प्लस सी। वही चीज़ यहाँ पे भी बात हो रहा है कि दो पॉइंट्स है एक्स वाई जेड। चलिए इस बोर्ड पे देखें हम लोग, ये जो डी ऑफ एक्स वाई या डी ऑफ एक्स जेड या डी ऑफ जेड वाई, ये क्या बता रहा है, यहाँ बता रहा है कि एक्स और वाई का डिस्टेंस, एक्स जेड का डिस्टेंस और जेड वाई का डिस्टेंस। तो मान लीजिए तीन पॉइंट्स है कोई आपके पास, एक्स पॉइंट यहाँ है, वाई यहाँ है और जेड यहाँ है। तो अब जैसे ही आप एक्स वाई कर लो, वाई जे एक्स और ऐसा यहाँ पे जेड है, तो अब बताइए किसी भी, अब जैसे कि एक्स वाई का निकाल लेते हैं, आप डी ऑफ एक्स वाई निकालते हैं, मीन्स की इस लाइन का डिस्टेंस निकाल लिए, तो ये जो होगा वो हमेशा लेस देन होगा कि नहीं इन दोनों के डिस्टेंस के सम से, मीन्स की डी ऑफ एक्स वाई या यहाँ पे डी ऑफ वाई जेड कर लें या जेड वाई कर लें, क्योंकि आपको पता है कि ये रिवर्सिबल, ये सिमेट्री होता है, सिमेट्री का मतलब एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, दोनों का डिस्टेंस सेम होता है। अच्छा, और यहाँ पे कर लें आप एक्स जेड, तो इसका डिस्टेंस इन दोनों के डिस्टेंस के सम से हमेशा कम होगा। क्यों? क्योंकि भैया हम पहले से जानते हैं ये ट्रायंगल इनइक्वालिटीज से। तो वही चीज़ यहाँ पे फोर्थ नंबर क्या कहता है, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। समझ में आ रहा है। तो कोई भी फंक्शंस कब मैट्रिक कहलाता है, जब वो इन चार पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करे, तब वो क्या कहलाता है, मैट्रिक, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि डी हमारा फंक्शन है, वो चारों को सेटिस्फाई कर दिया, तो मैट्रिक तो कहला गया। तो यदि इफ डी इज अ मैट्रिक फॉर, किसके लिए, किस सेट के लिए बात हो रहा था, एक्स के लिए हो रहा था। तो इफ डी इज अ मैट्रिक फॉर एक्स, देन द पेयर एक्स डी इज कॉल्ड अ मैट्रिक स्पेस एंड डी इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई। समझ में आ रहा है। तो अगर डी हमारा इस सेट के लिए मैट्रिक है, तो पेयर जो होगा एक्स डी वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक स्पेस। समझ में आ रहा है, मैट्रिक क्या और मैट्रिक स्पेस क्या है, डिफरेंस दोनों में, क्लियर। अच्छा, हम यहाँ पे बार बार बताना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हर केस में ये डिस्टेंस को ही बताए, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो चलिए अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखेंगे इससे रिलेटेड, कि आपके पास एक फंक्शन दे दिया जाए। चलिए हम एक थोड़ा सा पहले आपको बताना चाहें, एक सेकेंड, हम बताना चाह रहे हैं आपको कि मान लीजिए कोई फंक्शन दे दिया जाए, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समथिंग, मान लीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये फंक्शन है या नहीं है, बिल्कुल फंक्शन है, क्योंकि देखिए कहीं भी आपको इमेजिनरी नहीं मिल रहा है, ये फंक्शन डिफाइंड है। तो ये फंक्शंस तो है भाई, ये फंक्शंस है, तो क्या ये फंक्शन मैट्रिक है। अगर हम पूछ दें कि ये फंक्शंस मैट्रिक है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, चेक करना होगा आपको चारों ऑक्सिम चेक करना होगा। मान लीजिए कोई फंक्शंस आपको दे दिया कि यू हैव गिवन फंक्शंस डी विच इज डिफाइंड एज फॉलोज, डिफाइन दिया हुआ, डेफिनेशन दिया हुआ कि किस तरीके से डिफाइंड है। अब बोल दिया है कि ये मैट्रिक है या नहीं, आप चेक कीजिए, तो करेंगे। तो चलिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको दिखाना है कि एक फंक्शन दिया हुआ है और उसको दिखाना है कि वो मैट्रिक है, किस तरीके से हम लोग दिखाएंगे, देखते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम्स लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम्स के लिए, हो सकता है आपके एग्जाम्स में ये
प्रॉब्लम देखने को मिले, और हो सकता है अगर मान लीजिए 10 मार्क्स में ये क्वेश्चंस नहीं आता है तो 2 मार्क्स में भी आ सकता है ये क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहता है कि प्रूव दैट डी क्या एक फंक्शन है, फंक्शन कहाँ से है, आर क्रॉस आर से आर में डिफाइंड है, ठीक है। आर क्रॉस आर का मतलब, अच्छा आपको ये पता है आर क्रॉस आर कह देने का मतलब क्या हो गया, कि ये जो है ये जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपके पास मान लीजिए आर सेट है, आर यहाँ पे रियल नंबर मेंशन कर दिया गया है, आर जो सेट है इससे जो रिजल्ट बन रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में किस टाइप्स के एलिमेंट होंगे, अगर इसमें आपके जो भी एलिमेंट्स हैं, इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं, तो इसमें जो एलिमेंट्स बनेंगे पेयर्स में एलिमेंट बनेंगे, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने पढ़ा रखा है पिछले क्लास में, 11th 12th में भी पढ़ा होगा आपने, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट्स बने पेयर में बनते हैं, और उससे डिफाइंड ये कहाँ आर को डिफाइंड है, मतलब कि इसमें होगा एक्स टाइप्स एक्स वाई टाइप्स का एलिमेंट होगा इसमें, और इससे कहाँ जा रहा है ये आर में जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो आर क्रॉस आर से आर में जा रहा है एक फंक्शन डी, अच्छा वो किस तरीके से डिफाइंड है, वो डिफाइंड है डिफाइंड बाय डी ऑफ एक्स वाई, मीन्स कि यहाँ का एक पॉइंट से लेते हो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो मान लेते हैं वो पेयर्स एक्स वाई है, इस पर अगर ये मैपिंग लगाते हैं आप, समझ में आ रहा है, हम आपको पता है ना डोमेन ये है रेंज ये है, तो इस मैपिंग के लिए यहाँ से एक अगर कोई भी पॉइंट से लेते हैं तो वो डिफाइंड कैसे है, डी ऑफ एक्स वाई जो डिफाइंड है वो है मॉड ऑफ एक्स वाई, समझ में आ रहा है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, क्लियर। अच्छा इज अ मैट्रिकल स्पेस ऑन द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि आप प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट डी डिफाइंड फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर बाई डिफाइंड बाई दिस इज अ मैट्रिक स्पेस, मतलब हमको दिखाना है कि जो डी है वो क्या है, वो मैट्रिक स्पेस है, किस पे आर पे, मैट्रिक स्पेस ऑन द सेट आर, ठीक है। और आर क्या है, आर जो है आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्लियर। तो हमको दिखाना है कि जो डी फंक्शंस है वो क्या है, मैट्रिक है, और जो डी के साथ जो पेयर बनेगा आर का आर डी वो क्या है, मैट्रिक स्पेस है, हमको मैट्रिक स्पेस शो करना है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, मैट्रिक स्पेस या मैट्रिक, सबसे पहले मैट्रिक स्पेस शो करने के लिए आपको डी को क्या दिखाना होगा, कि मैट्रिक है, वो मैट्रिक हो जाएगा, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर डी मैट्रिक है तो आर डी जो होगा वो मैट्रिक स्पेस होगा। तो हमें मैट्रिक दिखाना है, और मैट्रिक दिखाने के लिए क्या करना होता है, आपको चार ऑक्सियम्स प्रूव करने होते हैं, क्लियर। चार ऑक्सियम्स चलिए रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। पहला ऑक्सियम्स को हम लोग एम वन इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करते थे, नोटेशन टाइप का इस तरीके से। ये पहला हमारा ऑक्सियम्स क्या होता था, पहला ऑक्सियम्स वो होता था कि डी ऑफ एक्स वाई जो वो ग्रेटर देन इक्वल जीरो हो, किसके लिए, अगर ये हमारा डी एक्स पे डिफाइंड हो रहा है तो फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स। अच्छा दूसरा ऑक्सियम्स क्या कहता था बताइए, ये होता था डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, वेरी गुड, ये भी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू, ये इसी चीज़ को हम लोग सिमेट्री ऑक्सियम सिमेट्री लॉ भी कहते हैं। चलिए अब एम थ्री क्या होता था, थोड़ा सा हम रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो आपके दिमाग में ये सब बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो भी हम इसके बाद पढ़ेंगे ना सबका यूज होगा, ठीक है। तो एम थ्री क्या कहता है ये बताइए, हाँ कब, इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई, इसका मतलब अगर ये जीरो होगा तो ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा, क्लियर। चलिए चौथा लॉस क्या कहता है, इसको हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटीज कहते थे, अब मैंने इसे अच्छा सा एक्सप्लेन भी किया था अभी तुरंत। तो ये क्या कहता है, डी ऑफ एक्स वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ पे एक्स और वाई, अब मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ है, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ है तो उस पर पॉइंट्स कितने होने चाहिए, तीन ही पॉइंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ एक्स वाई लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे एक्स जेड ही लिख दो, यहाँ पे आपको तीन ही पॉइंट्स मेंशन करना होगा, अगर एक्स वाई एक्स जेड है तो जेड वाई होना चाहिए, यहाँ पे वाई जेड भी आप, सॉरी यहाँ प्लस थोड़े होगा, है ना, जेड वाई या वाई जेड भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि डी जेड वाई या डी वाई जेड दोनों इक्वल्स होते हैं बाय द ऑक्सियम्स टू, नहीं समझे, क्लियर ना। तो चलिए क्लियर हुआ चारों, यही चीज़ हमें प्रूफ करना है, सबसे पहले इसे प्रूफ करना है, फिर इस तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे, चलिए करें काम। चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको जब भी इस टाइप्स के प्रॉब्लम मिले तो सबसे पहले जो गिवन फंक्शंस है, फंक्शन जो डी जो दिया हुआ है वो किस तरीके से डिफाइंड है वो आपको लिखना होगा। चलिए लिखेंगे हम लोग, वी हैव गिवन द फंक्शन डी, दी फंक्शन डी आर क्रॉस आर टू आर विच इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइंड है ये,
ये डिफाइंड है हमारा, देखिए किस तरीके से डिफाइंड है कि ये जो डिफाइंड है कि अगर आप दो पॉइंट्स लेते हैं, सॉरी एक्स वाई पे अगर फंक्शंस को लगाते हैं तो क्या मिलता है हमें, एक्स माइनस वाई मिलता है। अच्छा किसके लिए, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या वो पता है, ये क्या डिफाइंड, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप डी ऑफ मान लीजिए पी क्यू लगाते हैं तो क्या आएगा, पी माइनस क्यू। कब आएगा ये, जब जब पी और क्यू कहाँ बिलोंग करे, आर पे। फॉर ऑल का मतलब ये होता है कि जो भी आर में बिलोंग करेगा उसके लिए ये ऐसा है। अगर पी क्यू देते हो तो पी माइनस क्यू, एक्स जेड देते हैं तो एक्स माइनस जेड, एक्स वाई देते हैं तो एक्स माइनस वाई। इट इज क्लियर। चलिए तो अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो डेफिनेशन है डी का वो चारों ऑक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। देन वी कैन से डी इज अ मैट्रिक एंड आर डी इज अ मैट्रिक स्पेस। क्लियर। चलिए तो सबसे पहले अब हम लोग आएंगे लिखेंगे नाउ एम वन। एम वन मीन्स कि पोस्टुलेट्स वन कह सकते हैं, बट इन जनरली सारे बुक में इस पोस्टुलेट्स वन को एम वन से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका एम का कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। क्लियर ना। चलिए तो एम वन क्या कहता है, एम वन हमें प्रूफ करने के लिए कहता है कि डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल जीरो होगा। तो चलिए सिंस वी नो दैट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, सिंस नो दैट मॉड ऑफ एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या हुआ कि हम लोग नहीं जानते हैं कि मॉड के अंदर आप कोई भी चीज़ डाल दो, रियल नंबर, रियल नंबर है ना, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और आर क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में ही मेंशन है कि आर जो है वो रियल नंबर का सेट है। तो अगर आप कोई भी रियल नंबर डाल दें मॉड के अंदर तो आपको पता है कि वो हमेशा पॉजिटिव देता है, मॉड का प्रॉपर्टी है ये। तो मॉड का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स कुछ भी कर दें आप, जो मॉड का जो रिजल्ट देगा है ना वो हमेशा क्या देगा, ग्रेटर देन इक्वल देगा। तो वही चीज़ हमने लिखा कि सिंस वी नो दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। क्लियर। चलिए तो अब मॉड ऑफ एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स वाई को डी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं क्या, बाय द डेफिनेशन ऑफ डी मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई को ये लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाई दैट डी ऑफ एक्स कॉम वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। हो गया ना, फर्स्ट लॉ तो यही है ना एमोन, कि डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल जीरो होनी चाहिए, चूंकि ये होता है और इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ डी। ठीक है, तो हो गया भाई प्रूफ फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पे आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं कि बाय द डेफिनेशन ऑफ डी, डेफिनेशन ऑफ डी यही ना डी का डेफिनेशन, कि डी पे ऐसा डालोगे तो ऐसा मिलेगा और ऐसा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर। चलिए अब एम टू पे आते हैं। देखिए ये सब हो सकता है कि आपको एग्जाम में ना पूछे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है पूछ दे ना भी पूछे, लेकिन आगे का जो टर्म्स पढ़ना है उसको समझना है अच्छे से, तो ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। क्लियर। और बट कुछ स्टूडेंट्स होते क्या है कि फालतू का तो क्वेश्चंस करना नहीं चाहते, वैसा सोचते हैं कि अगर ये क्वेश्चन हम वही क्वेश्चंस करेंगे तो एग्जाम में आएगा, तो ऐसा नहीं होता ना। चलिए तो हम लोग करते हैं सेकंड, क्या करते हैं हम लोग सेकंड में क्या प्रूफ करना है आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, यस। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कहाँ से, यहाँ से शुरुआत करते हैं। चलिए या फिर हम कहें नाउ वी या फिर डाइट करते हैं ना नाउ, चलिए ऐसे डाइट करते हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, या फिर ऐसा यहाँ से शुरुआत करते हैं डी ऑफ एक्स कॉमा वाई को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन से गिवन है बाय द डेफिनेशन ऑफ डी, कि डी ऑफ एक्स वाई लोगे तो आप ऐसा मिलेगा। अच्छा अब इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं आप, अब बताइए ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है सिंस मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एक्स। देखिए एक्स मॉड एक्स का भी वैल्यू वही होगा जो मॉड माइनस एक्स का वैल्यू होता है, तो वही चीज़ हमने किया कि एक्स माइनस वाई है, अगर निगेटिव को कॉमन भी कर लें और वाई माइनस लिख दें तो भी जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सेम ही होगा, पॉजिटिव ही होगा, सेम ही रिजल्ट देगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अब देखिए एक्स माइनस वाई था, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना चीज, अब इस चीज को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां पे अब आपको लिखना होगा कि ये चीज जो हमने यहां लिखा ना वो रीजन यहां देना होगा। इस चीज को क्या किए, सिर्फ निगेटिव कॉमन किए तो ऐसा लिख दिए, और यहां से आपको पता है सिंस मॉड ऑफ माइनस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स,
माइनस एक्स रहे तो एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस और ये टोटल एक्स के जैसे ट्रीट कीजिए, माइनस एक्स इसको क्या लिख सकते हैं एक्स, समझ में आए, मॉड का प्रॉपर्टी से, तो इसको एक्स लिख दिए। तो चूंकि अब बताइए कि एक्स वाई था तो एक्स माइनस वाई, अब वाई एक्स है तो वाई माइनस एक्स है तो वाई एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं डी ऑफ दस डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ये समझ में आया? दोनों लॉज क्लियर? चलिए लिख लीजिएगा, अभी हम आगे बढ़े। चलिए अब थर्ड हमारा ऑक्सियम्स प्रूव करना है। थर्ड क्या प्रूव करना है हम लोगों को? डी ऑफ एक्स वाई बराबर जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। चलिए यहाँ पे आपको दो तीन तरीका हम बताएंगे, ठीक है, कि इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हैं। एम थ्री देखिए, हमें लेकर चलना है डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो इफ एंड ऑनली इफ का मतलब, अगर आप ऐसा लेते हो तो आप दिखाओ एक्स इक्वल टू वाई है। तो चलिए अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें, हम आपको लिखना नहीं यहाँ पे, हम मान लें कि लेट एक्स डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, तो हमको दिखाना क्या एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ये चीज़ हम मानेंगे, हमें दिखा देना है कि एक्स इक्वल टू वाई। और दूसरा केस क्या होगा कि लेट एक्स इक्वल टू वाई देन वी हैव टू शो दैट डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि इफ एंड ऑनली इफ वाली बात थी कंडीशंस में ही। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, एकदम प्रॉपर वे में करते हैं कि लेट डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो हो गया, इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, ये है। अब ये जीरो कब होता है, मॉड ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो ये कब होता है, जब ये चीज जीरो के बराबर हो। फिर से समझिए, मॉड का प्रॉपर्टी है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई मीन्स कि समझ रहे हैं, यहाँ पे आप सब्सट्रैक्ट करने से जो रिजल्ट मॉड में दे रहा है वो क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है। ये मॉड का प्रॉपर्टी है, यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स माइनस वाई अगर जीरो होगा तभी जीरो का मॉड जीरो होगा। मान लिया जाए अगर टू दे दें तो टू का मॉड क्या जीरो होगा, नहीं होगा। थ्री दे दें तो क्या थ्री का मॉड जीरो होगा, किसका मॉड जीरो हो सकता है, जीरो का ही मॉड जीरो होगा। ऐसा तो थोड़े है कि माइनस थ्री का मॉड जीरो हो जाएगा, किसका मॉड जीरो होता है, जीरो का ही मॉड जीरो होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो टर्म्स है वो जीरो के इक्वल होगा, तभी तो इसका मॉड जीरो है। इसका मतलब एक्स माइनस वाई किसके बराबर है, ये समझ में आया? फिर से समझना, हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि मॉड का प्रॉपर्टी यही है कि वो क्या करता है, निगेटिव को पॉजिटिव। ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए टू है मॉड टू, तो मॉड टू का वैल्यू क्या होगा, टू। अगर माइनस टू है तो वैल्यू क्या होगा, टू। क्लियर? तो जीरो कब होगा, जब यहाँ पे जीरो, जीरो का ही मॉड जीरो होता है, तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई, समझ में आ रहा है ये? क्लियर? आगे बढ़े। अब जैसे ये हो गया तो इसका मतलब उधर भेज दीजिए, हो गया प्रूफ, हमने ये चीज़ लिया, ये दिखा दिया। चलिए अब हमें क्या लेना है, ये लेना है, दिखाना है फिर ये अगेन। इसका हम दूसरा वे भी बताएंगे, अगेन लेट एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई लिए, अब आगे आइए, इससे क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, सिंपली इधर कर लिए। अब क्या है, आपको पता है कि ये हम क्या करते हैं, मॉड कर लेते हैं बोथ साइड्स मॉड, तो क्या आएगा रिजल्ट, मॉड एक्स माइनस वाई और इधर मॉड जीरो का वैल्यू जीरो सिंपली आया, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो। क्लियर? ये माने, ये प्रूव कर दिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि दस, ये सब देखिए प्रॉपर वे है, ठीक है ना, हम शॉर्टकट भी बता रहे हैं, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो कब, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। चलिए अब इसका शॉर्टकट देख लीजिए, आप चाहें तो इसको एग्ज़ाम में ऐसे भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम में क्या करेंगे, डायरेक्ट M3 में शुरू किए, यहाँ से आएंगे डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो, समझ में आ रहा, इधर सिर्फ नहीं जा रहा, इधर से बैक भी है। क्लियर? तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू, सॉरी एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाई एक्स इक्वल टू वाई, हो गया कंप्लीट। देखिए ये जीरो हो रहा था तो वैसा होता, और या वैसा होता तो ऐसा भी होता, अब फिर ये ऐसा है तो ऐसा होगा, या ऐसा है तो ऐसा होगा, समझ में आ रहा ना, एक दूसरे से वो कनेक्ट है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? वैसे भी लिख सकते हैं आप। अब क्या हमें प्रूफ करना है, चौथा ऑक्सियम्स है ना, चौथा क्या कहता है, इसको मिटा दें। चलिए मिटाते हैं, अब चौथा करते हैं हम लोग। चौथा क्या कहते हैं, चौथा कहता है हमारा M4
ये क्या कहता है बताइए, क्या प्रूफ करना है हमें यहाँ पे? हमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी है ना, हमें प्रूफ करना है, या आप चाहें तो लिख सकते हैं कि वी हैव टू प्रूफ दैट, है ना, या फिर ऐसा लिखे कि लेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आर पे ही बात हो रहा है, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो, वी हैव टू शो, क्या शो करना है हमें, डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, यही शो करना है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, नाउ इस एल एच एस से स्टार्ट करते हैं, डी ऑफ एक्स वाई, और आपको पता है कि डी ऑफ एक्स का डेफिनेशन क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, यही है ना। हम एक आपको प्रॉपर्टी बताते हैं, आपको उसी चीज़ का यहाँ पे यूज होगा, मॉड ऑफ एक्स वाई, एक्स प्लस वाई क्या होता है, मॉड का वैल्यू आपको पता है, मॉड ऑफ ए प्लस बी या मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हमेशा लेस देन इक्वल होता है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, ये आपको मॉड का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या तुरंत बता देते हैं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसी तरीके से मॉड ऑफ a प्लस बी या मॉड ऑफ x प्लस वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, क्लियर। चलिए तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग इसका उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, समझ में आया ना वो कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले डी ऑफ एक्स वाई जो यहाँ एल एच एस है, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, तो ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना। अब बताइए इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्या किए, एक्स था एक्स है, माइनस वाई था माइनस वाई है, सिंपली किए क्या, माइनस जेड और प्लस जेड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसल आउट होकर वही बचेगा। अब फायदा ये होगा, देखिए इसको ब्रैकेट यहाँ से कर लीजिए, इसको ब्रैकेट यहाँ से कर लीजिए, अब ट्रीट कीजिए कि मॉड एक्स प्लस वाई पूरा x के जैसा ये हो गया और ये अलग हो गया। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि मॉड ऑफ a प्लस बी क्या होता है, हमेशा लेस देन इक्वल होता है मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। अब देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ a के जगह पे ये है और b के जगह पे ये है, तो ये हमेशा लेस देन इक्वल होगा किससे, मॉड ऑफ x माइनस जेड प्लस मॉड ऑफ z माइनस वाई, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। यहाँ पे इससे बड़ा कौन है, इस जो यहाँ पे हम जो लिखे हैं इससे बड़ा ये है, और इसके इक्वल कौन है, अब देखिए तो इसके इक्वल है, समझ में आ रहा है ना, क्या कौन बड़ा हो रहा है, कौन किससे, इससे बड़ा ये है और इसके इक्वल है आपका डी ऑफ एक्स जेड, कैसे, एक्स वाई था तो एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस जेड है तो एक्स जेड, समझ में आया। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी ऑफ बाय द डेफिनेशन ऑफ डी, समझ में आया। चलिए अब बताइए तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 10 ये चीज से शुरू किए थे हम, डी ऑफ एक्स वाई ये चीज बराबर था इसके, ये बराबर था इसके, और इससे बड़ा कौन था ये, तो इससे फाइनली कह सकते हैं ना कि इससे छोटा है ये, मीन्स कि डी इज लेस देन इक्वल टू दिस, कह सकते हैं कि नहीं, फिर से समझिए यहीं पे इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ जाता है कि भाई ये इससे छोटा है क्या क्या है, समझ रहे हैं ना। देखिए हम सिंपल समझाना चाहिए, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ये है और ये चीज़ इसके बराबर है और इससे बड़ा ये है, इसका मतलब ये इससे इक्वल है, इसके इक्वल है, इसका मतलब ये तीनों से बड़ा है, तीनों से बड़ा कहने का मतलब कि इससे ये बड़ा है, क्योंकि ये तीनों तो आपस में इक्वल है ना जी, तो अगर ये इससे बड़ा है इसका मतलब इससे ही बड़ा है, तो डी ऑफ एक्स वाई से ये बड़ा है, ठीक। तो हम लिख सकते हैं कि डी ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, और इसके इक्वल कौन था, ये था, तो डायरेक्ट हम इसको हटा कर यही लिख दें, डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, किसके लिए था ये, किसके लिए था ये फॉर ऑल एक्स वाई जेड, ये वाई सही से होना चाहिए, वाई बिलोंग्स टू आर, समझ में आया। तो हो गया चारों ऑक्सियम्स प्रूफ, तो हम लोग एक लास्ट में लाइन लिखेंगे, सिंस ऑल फोर पोस्टुलेट्स आर सेटिस्फाई, या सिंस डी सेटिस्फाई दी ऑल फोर पोस्टुलेट्स, देयरफोर आर डी इज अ क्या, देयरफोर आर डी इज अ मैट्रिक्स स्पेस, समझ में आया। क्या लिखेंगे कि सिंस डी सेटिस्फाई ऑल दी फोर पोस्टुलेट्स, देयरफोर डी इज अ मैट्रिक एंड आर डी इज अ मैट्रिक स्पेस, क्लियर। तो जो भी क्लास हमारे ऑनलाइन के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो पीडीएफ प्रोवाइड किया ही जाएगा,
ठीक है ना, और जो ऑफलाइन जुड़े हुए हैं उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग एक और प्रॉब्लम्स देखते हैं जो इसी से रिलेटेड है। चलिए तो एक और प्रॉब्लम्स है, आप प्रॉब्लम देख पा रहे होंगे कि प्रॉब्लम कह रहा है कि लेट सी डिनोट द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जनरली डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को सी से डिनोट करते हैं, तो वही चीज़ कह रहा है कि लेट सी डिनोट द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लेट अ फंक्शन डी फ्रॉम सी क्रॉस सी टू आर। ये समझ में आ रहा होगा सी क्रॉस सी क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, मीन्स कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो D फ्रॉम C क्रॉस C टू R बी डिफाइंड एज, ये जो फंक्शंस D दिया हुआ है कैसे डिफाइंड है, वो कह रहा है कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर इधर से जो एक एलिमेंट डालोगे Z1 Z2, ठीक है ना, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो पेयर्स में ही एलिमेंट होंगे वहाँ डोमेन में। तो Z1 Z2 अब जैसे ही D पे डालोगे इस फंक्शन पे तो क्या रिजल्ट देगा, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। अब मॉड क्या है, मॉड का मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, ठीक है। तो वही चीज़ छोड़िए ये सब बात, अभी हम आएंगे तो डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझना है कि डी ऑफ जेड वन जेड टू जो डिफाइंड है वो क्या है कि जैसे जेड वन जेड टू पे लगाएंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, ये किसके लिए, फॉर ऑल जेड वन जेड टू बिलोंग्स टू सी। जरूरी नहीं है, फॉर ऑल कह देने का मतलब ही हो जाता है कि जरूरी नहीं जेड वन जेड टू, वहाँ पे जेड थ्री जेड फोर जेड फाइव जेड सिक्स, समझ में आ रहा है ना, सबके लिए ये इसी तरीके से डी डिफाइंड है। आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट डी इज अ मैट्रिक ऑन सी, आपको डी को मैट्रिक प्रूफ करना है, क्लियर। तो कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख दीजिए कि वी हैव गिवन डी फ्रॉम सी क्रॉस सी टू आर इज अ फंक्शन विच इज डिफाइन एज डी ऑफ जेड वन जेड टू इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू फॉर ऑल जेड वन जेड टू बिलोंग टू सी। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अगर आपको डी को मैट्रिक प्रूफ करना है तो क्या करना होगा, कुछ ऑक्सियम्स हैं उसे सेटिस्फाई कराने होंगे। तो पहला ऑक्सियम्स क्या है, चलिए उस पर हम लोग काम करते हैं कि नाउ एम वन, तो M1 क्या कहता है भाई, M1 कहता है कि d ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल जीरो प्रूफ कीजिए आप जिस पे ये डिफाइंड हो रहा है। मान लीजिए d x पे डिफाइंड हो रहा है तो आपको दिखाना होगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू x, ऐसा प्रूफ करना होता है। बट यहाँ एक्स वाई तो है नहीं, यहाँ पे जेड वन जेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रहा था, जेड वन जेड टू लेते हैं हम लोग, तो हमें यहाँ क्या प्रूफ करना है, d ऑफ जेड वन जेड टू बिलोंग ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जहाँ पे जेड वन जेड टू कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, ये चीज हमें प्रूफ करना है, क्लियर। चलिए अब मॉडुलस का बात आ रहा है कि डिफाइन कैसे है कि Z1 Z2 पे जैसे ही आप D लगा दे तो मॉडुलस दे रहा है Z1 माइनस Z2। तो अब बताइए Z1 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि Z1 बिलोंग्स टू C है, तो Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो Z1 माइनस Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉडुलस निकालते हैं, चलिए थोड़ी देर के लिए हम समझा देते हैं आपको, लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, मॉड ऑफ जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल सी, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है, एक्स प्लस आई वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर यही होता है ना इस जनरल फॉर्म, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का आप जैसे ही मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस मीन्स क्या होता है, स्क्वायर प्लस स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यही तो होता है ना मॉडुलस। तो मॉडुलस कभी भी निगेटिव आ सकता है क्या, निगेटिव नहीं आ सकता। इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड का मतलब दिस, मॉड ऑफ जेड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल जीरो, हम लोग जान रहे हैं और बताएं भी कि क्यों जीरो से बड़ा होता है। तो मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, क्लियर। तो अब बताइए Z1 माइनस Z2 जो है वो भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 माइनस Z2, तो therefore Z1 माइनस Z2 ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका भी जो मॉड होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, किसके लिए, फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू C। तो अब इसी चीज को हम क्या लिख रहे थे, D ऑफ Z1 Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जेड वन जेड टू बिलोंग्स टू सी। समझ में आया क्या किया हम लोग, हम जान रहे थे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस लेते हैं वो हमेशा बड़ा होता है जीरो से, या ग्रेटर देन इक्वल जीरो होता है। तो उसी तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड लोगे तो आप आएगा, और इसी चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट ऑक्सियम्स, सेकंड प्रूफ करें,
सेकंड क्या प्रूफ करने के लिए कहते हैं? M2 सेकंड क्या कहता है कि d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू d ऑफ वाई एक्स। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं d ऑफ जेड वन जेड टू से शुरुआत करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? मॉड ऑफ माइनस कॉमन कर लीजिए जेड टू माइनस जेड वन है। अब बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं जेड टू माइनस जेड वन। क्यों लिखे? क्योंकि सिंस मॉड ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, दोनों का वैल्यू इक्वल होता है, माइनस एक्स का मॉडुलस या एक्स का मॉडुलस दोनों का वैल्यू सेम होता है। अभी एक क्वेश्चन हमने किया तो यहाँ पे माइनस समझिए ये एक्स है ये, तो ऐसा लिख दिए माइनस एक्स को एक्स लिख दिए, क्लियर मॉड का प्रॉपर्टीज है। तो अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं? डी ऑफ जेड टू जेड वन लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जेड वन जेड टू था तो जेड वन माइनस जेड टू, अब जेड टू माइनस जेड वन है तो जेड टू जेड वन हो गया। तो फाइनली क्या आ रहा है? फाइनली देखिए क्या लिखना है वहाँ पे, दस सेकंड में थोड़ा सा लिख देंगे कि दस जेड वन जेड टू इक्वल टू डी जेड टू जेड वन, ठीक है ना? किसके लिए? फॉर ऑल जेड वन जेड टू बिलोंग्स टू सी। प्रूफ हो गया सेकंड ऑक्सीजन। थर्ड प्रूफ करना है, चलिए मिटा दे। चलिए थर्ड हम लोग देखते हैं, सिंपल सा थर्ड भी बहुत सिंपल है। थर्ड क्या प्रूफ करना है? एक्स वाई नहीं, यहाँ जेड वन जेड टू एम थ्री। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे भी आप लेट अलग अलग केस करके बना सकते हैं कि पहले आप डी ऑफ जेड वन जेड टू को जीरो मानिए तो जेड वन इक्वल टू जेड टू दिखाइए, या फिर दोनों को एक साथ काम कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डायरेक्ट दोनों एक ही साथ, तो डी ऑफ जेड वन जेड टू से शुरू करते हैं। तो ये क्या इम्प्लाई करता है? अगर आप जीरो मान लेते हैं कि ये जीरो है तो ये क्या इम्प्लाई करता है? ये इम्प्लाई करता है इसका वैल्यू क्या है, इसका जो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग जेड वन माइनस जेड टू, यही इम्प्लाई कर रहा ना, समझ में? अगर ऐसा लिखते हैं तो आप ये इम्प्लाई ऐसा कर रहा, और अगर ऐसा लिखते हैं तो ये इम्प्लाई ऐसा कर रहा कि नहीं कर रहा? फिर से समझिए, हम एक ही केस में दोनों बात कर रहे हैं। जैसे कि हमें करना ये था कि अब हमें डी ऑफ जेड वन जेड टू इक्वल टू जीरो कब होता है? इफ एंड ओनली इफ जेड वन इक्वल टू जेड टू। थर्ड केस तो यही कहता है ना जी कि ऐसा होगा तो इफ एंड ओनली इफ ऐसा दिखाइए। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें अलग अलग प्रूफ करना है तो हमें इसको जीरो मानना होगा, तो अब हमको क्या दिखाना होगा उस सिचुएशन में? जेड वन इक्वल टू जेड टू, ठीक। अब उसके बाद इसी चीज को प्रूफ करने के लिए एक बार मानना होगा कि लेट जेड वन इक्वल टू जेड टू, तब फिर हमें क्या प्रूफ करना होगा कि इसका वैल्यू जीरो आता है। अब चाहे तो दोनों केस को एक ही में प्रूफ कर सकते हैं, तो उसी चीज़ को हम यहाँ एक ही में काम करना चाह रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि हो क्या रहा है। समझ में आ रहा? चलिए देखिए यहाँ पे करेंगे क्या कि डी ऑफ जेड वन जेड टू इक्वल टू जीरो ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा रहे तो ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते? मीन्स कि ये इधर से भी इम्प्लाई कर रहा, समझ में आया? दोनों से इम्प्लाई कर रहा। अब ये क्या इम्प्लाई कर रहा? किसी भी टर्म्स का, किस टर्म्स का मॉडुलस जीरो होता है? अगर ये जीरो के इक्वल होता भी तो, अभी मैंने समझाया था पिछले में कि सिर्फ जीरो का ही मॉडुलस जीरो आता है, और कोई भी ऐसा नंबर्स नहीं है जिसका मॉडुलस क्या हो, जीरो हो। इसका मतलब ये चीज़ जीरो के बराबर होगा। तो दिस इम्प्लाई दैट जेड वन माइनस जेड टू क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा। अगर ये इम्प्लाई ऐसा कर रहा है तो ये ऐसा इम्प्लाई कर रहा कि नहीं? तो इसको हम लोग फिर से ऐसा दे सकते हैं कि ऐसा जा रहा है। अब ये देखिए इस चीज़ को हम लोग जेड वन इक्वल टू जेड टू लिख सकते हैं कि नहीं? तो अब देखिए ये चीज़, इस चीज़ से ऐसा लिख सकते हैं आप, और इस चीज़ से ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इधर करेंगे तो उधर जीरो हो जाएगा, मीन्स कि ये भी बैक इम्प्लाइज कर रहा है। समझ में आया? तो ये चीज़ दोनों साइड से इम्प्लाई कर रहा ना कि ऐसा था तो ऐसा हुआ, और ऐसा था तो ऐसा होगा, और ऐसा था तो ऐसा फिर ऐसा, मतलब समझ में? इधर से भी इधर से भी, ये दोनों केस को एक साथ प्रूफ कर दो। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? दस डी ऑफ जेड वन जेड टू इक्वल टू जीरो कब? इफ एंड ओनली इफ जेड वन इक्वल टू जेड टू, क्लियर? ठीक है। अब एक फोर पोस्टलेट्स क्या है वो, उसे चलिए हम लोग फटाक से देखते हैं। दिस इज लास्ट पोस्टलेट्स। चलिए देखिए हमें प्रूफ क्या करना है इसके लिए। सबसे पहले आप मान लीजिए कि लेट
Z1, Z2, Z3 belongs to C. We have to prove D of Z1, Z2 always less than equal to D of Z1, Z3 plus D of Z3, Z2. समझ में आया? हमें प्रूफ करना है. हम यहाँ LHS से शुरू करते हैं चलना. तो LHS से D of Z1, Z2 से चलना शुरू करते हैं. ठीक है, यहाँ पे मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड बी का प्रॉपर्टी यूज होगा, जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था आपको. क्लियर? चलिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 लिख सकते हैं. इसको और क्या लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3 प्लस Z3 माइनस Z2. इस चीज को ऐड किए, सब्ट्रैक्ट किए, बाकी वही चीज है. समझ में आया? चलिए और क्या कीजिए, ऐसा कर लीजिए. ये 2 है. मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? मॉड ऑफ ए प्लस बी हम अभी इसको डिस्कस किए थे. ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी. तो इसे क्या लिख सकते हैं? ऐसा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3 प्लस मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2. इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताइए. Z1 Z2 था तो ऐसा लिखे थे. अब Z1 Z3 है तो इसको लिख सकते हैं D ऑफ Z1 Z3 प्लस D ऑफ Z3 Z2. क्लियर? तो फाइनली क्या आ गया? 10. देखिए छोटा है और ये इसके इक्वल है, तो 10. ये तो समझाने का आवश्यकता नहीं है. Z1 Z2 लेस देन इक्वल हो गया D ऑफ Z1 Z3 D ऑफ Z3 Z2. क्लियर ना? चारों पॉस्टलेट सेटिस्फाई कर गया. लास्ट में क्या लाइन लिख देंगे हम लोग? लास्ट में लिखेंगे सिंस D सेटिस्फाई ऑल द 4 पॉस्टलेट्स, देयरफॉर D इज अ मैट्रिक ऑन R एंड R मैट्रिक ऑन Z, मैट्रिक ऑन C. C पे डिपेंडेंट ना, मैट्रिक ऑन C. ठीक, एंड XC इज अ मैट्रिक स्पेस. क्लियर? तो चलिए अब पहले समझ लेना है, ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ. अगली क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ और नए नए टर्म्स सीखेंगे और कुछ जो भी बेसिक एग्जांपल्स होंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम पिक करेंगे यहाँ पे, तो देखेंगे. लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से फुल सिलेबस चाहते हैं कंप्लीट करना, सेमेस्टर 6 का फुल सिलेबस करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सेमेस्टर 6 के कोर्सेज के लिए. चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में. धन्यवाद.